लोग आराम से बात मतलब जो भी होगा डिस्कस करना, ठीक है। चलो अब हम लोग यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर दिया हूँ, थोड़ा सीखा। चलो हम लोग देखो डिटेल में देखेंगे एग्जैक्टली क्या क्या कैसे हो रहा है। कलर ले ले रहा हूँ रेड, सभी को क्लियर विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है ना। फटाफट यस बोल दे सर। रहा हूँ, देखो व्हाट इज पॉलिनेशन। सबसे पहले हमारे पास क्या है, पॉलिनेशन क्या होता है सभी को पता है। अब इसमें से ध्यान से समझना था, अभी इसका ऑप्शन दे इस करें, कौन सा ऑप्शन, बी। और देखो अभी बहुत सारे मीटिंग और चीजें है, तो अभी थोड़ा अगर जो लोग अपने से चेक कर सकते हैं कर लेना, उसके बाद मुझे भेज देना, अदरवाइज मैं तो थोड़ा टाइम लगेगा मैं कर दूंगा। व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन, द पॉलिन ऑफ फॉलिंग। ये किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है, एनीवन डाउट। नो सर। चलो जिसमें डाउट है वो बोला। प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, जब भी हमारे पास विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस, ये सभी को पता होगा। और ऐसे सीड को हम लोग क्या बोलते हैं, एपोमिक्टिक सीड। क्या बोलते हैं, एपोमिक्टिक सीड। ये कौन है, क्वेश्चन आलो। नेक्स्ट ये किस में पाया जाता है, एस्ट्रेसी में, एस्ट्रेसी फैमिली में। नेक्स्ट डायोसियस प्लांट, डायोसियस प्लांट एस्योर, कौन बताएगा, एनीवन, क्या एस्योर करता है। वेरी सर नो तो गैमी रिटर्न। गुड, नो। जिसको नहीं समझे उसको, किसी को समझना है ये क्वेश्चन, एनीवन जल्दी से बताओ, नहीं तो आपने नहीं सभी लोग क्लियर हो। सोनाली, ठीक है सोनाली, देखो हमारे पास डायोसियस प्लांट का मतलब क्या होता है कि एक ये प्लांट है और एक ये प्लांट है। जब भी डायोसियस होगा तो उस केस में हमारे पास ऑटोगैमी का चांस ही पैदा नहीं होगा कि फ्लावर अलग होगा। जितनो गैमी के लिए भी क्या चाहिए, एक ही फ्लावर में ये फ्लावर और ये फ्लावर चाहिए था। इट मीन्स ना तो जितनो गैमी होगा ना तो ऑटोगैमी होगा, दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, न्यूसेलर एडवेंटिव। हाँ ये बताएगा कौन, बताना चाहेगा सीखा। ओ ठीक है सॉरी। हाँ हर्षित जल्दी बताओ। सर हॉर्टिकल्चर। हाँ हॉर्टिकल्चर, ये देखो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, एनसाइट में मेंशन है। निसेलर एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रिनी से क्या होता है हमारे पास, अल्टीमेटली हॉर्टिकल्चर में हम क्या स्टडी करते हैं, एनीवन गीतांशी, हॉर्टिकल्चर क्या होता है। एनीवन मानवी, हाँ बताओ आप। सर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, लूप्स मैंने कहाँ रख दिया। सभी को क्लियर आ रही है, अभी भी धीरे आ रही क्या। क्लियर आ रही है सर। चलो हाँ हॉर्टिकल्चर क्या आपने बताया था मानवी, सर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की स्टोरी। सर फ्रूट्स एंड ठीक है, वेजिटेबल्स। इसके बारे में जो कुछ भी है अल्टीमेटली फार्मर्स को क्या होता है, इससे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होता है। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास क्या हो जाता है, सिंपल सा है, दैट इज बी ऑप्शन, एंडोस्पर्म, यानी कि दिस वाला एंडोस्पर्म ही पूछा। यस। नेक्स्ट इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल्स मैच्योर इनटू द सीड कोट। नेक्स्ट चूज द करेक्ट लेबल्स, हमारे पास इसका करेक्ट लेबल्स क्या होता है, ऑप्शन सी। अब मैं बात करूं तो भैया वन क्या हो गया, ये हाइपोकॉटिल, ये क्या हो गया प्लीम्यूल, और ये क्या हो गया कोटिलीडन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भैया नंबर 8, कौन सा आ गया, सिक्स सिक्स बता दिया हो वाला गया सीड कोड। सर। एक बार क्वेश्चन नंबर 5th दिखा दो। क्वेश्चन नंबर 5th, हाँ एंडोस्पर्म, ये वाला पार्ट लाइन क्या है हमारे पास, एंडोस्पर्म, ये वाला जो भी दिख रहा है। ओके सर। देखो विवेक कितना लेट आ रहा है, चलो विवेक बालक लेट मत आओ। हाँ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है हमारे पास कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाउ मेनी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सीड इज फाइनल सही है, सीड इज फर्टिलाइज सही है, सीड इज फॉर्म इनसाइड सही है, ये भी सही है। जीरो। जीरो फोनिक्स डैक्टिल कॉमनली नोन एज डेट पाम, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। जो अच्छे क्वेश्चन अभी मैं पूछूंगा, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद सोइंग सीड्स फ्रॉम द हाइब्रिड प्लांट
कौन बताएगा? अर्षिका सर, ऑप्शन सी। अर्षिका का सी है क्या? सही है, वेरी गुड। यस सर, ऑप्शन सी। यस सर, हाइब्रिड कैरेक्टर विल बी लॉस्ट ड्यू टू द सेग्रीगेशन। क्वेश्चन नंबर 11 जी क्या है ना, मार्क आएगा। सर बताएगा, वही मैं बोल रहा हूँ भाई। इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी तो फॉलो करेगा वो। क्या बोल रहे हो आप सर? इस वाले में डी नहीं होना चाहिए, इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी फॉलो करेगा जिसकी वजह से प्रोजेनी होगी, अनहेल्दी पैदा होगी। डी कैसे होगा? ऑल ऑफ दी अबव कैसे कर दोगे? सीड विल नॉट जर्मिनेट, ऐसा थोड़ी ना वो सीड जर्मिनेट नहीं करेगा सर। अगर हाइब्रिड कराते तो क्या डिप्रेशन भी, हाइब्रिड कराते डिप्रेशन भी तो होता है स्पीशीज का। हाइब्रिड से कहाँ डिप्रेशन होता है बालक? हाइब्रिड से हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन से डिप्रेशन होता है। कहाँ होता है? ध्यान से पढ़ाओ। हाइब्रिड प्लांट से हमारे पास वेरिएशन होता है, सेल्फ डिप्रेशन नहीं होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 फॉर सूरज। ध्यान से क्वेश्चन करना है, मैथ लगा दिया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ये। बट ये क्या मैं हाँ बताओ। 11 डी ऑप्शन सर, डी ऑप्शन डी, वेरी गुड। हमारे पास देखो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन। अब इसी को क्या कर दिया, इधर कर दिया, नहीं ऑप्शन डी। ये बी और सी क्या है, सही है, दैट्स व्हाई मोर देन वन ऑप्शन। सर मैथ लग गई, मजा आ गया। ज्यादा मैथ नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 फॉर द गीतांशी। सर मैंने तो इसका बी ऑप्शन लगाया। सी बहुत मार लगाया नहीं है, एग्जैक्टली पढ़ो। हाँ कोई बताना चाहेगा? सर बी लगाया इसका। आपका बी, और कोई डिटेल मतलब लगाने का नहीं पूछ रहा हूँ, रीजन पूछ रहा हूँ व्हाई दिस ए और बी और सी। अच्छा सर, बी ऑप्शन इसलिए क्योंकि सर जब जब मतलब वो पोलन स्टिग्मा पे आता है तो वो पोलन ट्यूब मतलब निकलते हैं, उसमें सारा कंटेंट पोलन ग्रेन का चला जाता है जंपो से। पोलन ट्यूब पे एनसीईआरटी की लाइन है। पोलन ग्रेन में सिर्फ दो ही सेल होते हैं, मतलब जनरेटिव वेजिटेटिव, वो दोनों ही चले जाते हैं। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12 देखो गीतांशी गलत हो गया तुम्हारा। हाँ सही तो है, बी ऑप्शन ही तो था। अच्छा बी बोला था आपने सर। हाँ बोलो सर, अगर पहले क्वेश्चन से दिखाओगे कौन, मैं भी दिखा दूंगा, लास्ट में रुक जाना बाकी लोग। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास दिखा दूंगा विवेक। हू वर्क ऑन एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट एंड पॉपुलराइज। देखो ये एनसीईआरटी जब शुरू हो रहा था वहां पे साइंटिस्ट का फिगर इमेज बना है, पंचनम महेश्वरी सर, महेश्वरी, उसको भी पढ़ना जरूरी, इसीलिए मैंने डाला था। किसका किसका सही है या फिर किसका गलत हो गया ये बताओ। मेरा सही था सर। मेरा सही है सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 14 ये मैंने बताया था क्लास में। सी सी दोनों क्या होते, ये क्या होते हैं ऑब्लिगेटरी सर? सी कैसे होगा? अरे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट ऑन ए प्लांट नॉट सेम प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ऑन ए प्लांट एश्योर प्रिवेंशन ऑफ। नाउ 15 कौन बताना चाहेगा? सर ऑटोगैमी। सर ये ऑप्शन ए ऑप्शन, वेरी गुड, चलो सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 16 ये थोड़ा ट्रिकी था, कौन एनसीईआरटी कितना सही से पढ़ा है? सर ए ऑप्शन है क्या इसका? आपका ए, और कोई सूरज किसकी बात कर रहे हो? नहीं नहीं सिर्फ ए होगा, एश्योर प्रिवेंशन सही भाई, वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर लिखा है प्लांट लिखा। सुनो कोई बात नहीं, अब यहाँ पे ये प्लांट मैंने एक बना दिया, यहाँ पे मैंने एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाया और यहाँ पे प्लांट एक ही है, जिटनोगैमी को कैसे वो कर सकता है प्रिवेंट? इसीलिए मैंने वो प्लांट डिटेल में पढ़ाया था बालक, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, जिसमें सूरज पूछा भी था मतलब ऐसा भी कोई प्लांट होता है, मुझे याद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन ए इज द राइट। अरे बढ़िया कमा रहा था, देखो तुक्का मन नहीं मार रहा था। बी एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ो। ये अब यहाँ पे देखो
जिसको नहीं समझ में आया सूरज, इसलिए मैंने आपने पूछा था, मैंने बोला था वाटरमेलन की फैमिली की एक ही प्लांट के अंदर मान लो मेल फ्लावर है यूनिसेक्सुअल और दूसरे में फीमेल फ्लावर। हाँ, ये वही वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17, ये इजी क्वेश्चन था, बहुत थोड़ा लेंदी था बस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट, पहला तीसरा चौथा और आठवा। पहला सही है, तीसरा सही है, पांचवा सही है और आठवा सही है। क्या गलत है? सबमर्ज नहीं होता। सबमर्ज किसके लिए होता है? सर जोस्टेरा। जोस्टेरा सीग्रास, वेरी गुड। नेक्स्ट, ये भी उसी के लिए होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या था? पॉलन ग्रेन कैरेट एक्ट नहीं, एक्टिवली नहीं होता है। ये क्या करता है? करंट, वाटर करंट से होता है। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द पॉलन रिच नहीं, मोस्ट ऑफ नहीं रिच करते, यानी ऑप्शन सी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी, ये अच्छा क्वेश्चन था और ये मैं किससे पूछना चाहूंगा? अंकिता सर। हाँ बोलो सर। इसमें ना मैंने जो आपको फोटो भेजी थी ना, तो मैंने 7 लगा रखा है, एबीसीडी ऑप्शन में, तो 7 लिख रखा है, मानोगे उसे? वो तब का तब देख लेंगे, फिलहाल की 18 मैंने किससे पूछा था? मानवी, हिमांशी। चलो हिमांशी बोलो, आप बहुत दिन से नहीं बोल रहे हो। हिमांशी आप हो? मानवी, ये देखो बोल ही नहीं रहे। यस सर। बताओ फिर 18। सर इसका सी होगा, 6, क्योंकि एंटीपोडल्स, 3 एंटीपोडल्स और 2 सिनर्जिडिक एक्सेल होता है जो कि जिसमें सेल वॉल होती है। ठीक है, हाँ देखो, जिसको नहीं समझ में, हाउ मेनी 8 न्यूक्लियाई ऑफ टिपिकल एम्ब्रियो सेक सराउंडेड बाय सेल वॉल, ये मैंने बताया था कुछ पढ़ाते टाइम भी डिटेल में बताया था। ये क्या हो गया हमारे पास? सिंपल सा एक एम्ब्रियो सेक बना दिया और अल्टीमेटली यहाँ से क्या हो गया? 3 ये और 3 ये सराउंडेड, बाकी ये दोनों क्या बचे रहते हैं, तो टोटल क्या हो गया हमारे पास? 6। ये दोनों न्यूक्लियाई के फॉर्म में रहते हैं, ना कि सेल के फॉर्म। चलो क्वेश्चन नंबर 19, जिसका भी गलत होगा मार्क आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ये तो बहुत ही लंबा है। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगाडायम में सही है, 2 मोर सिक्वेंसलर्स ये भी सही है, माइटोटिक डिवीजन एम्ब्रियो सैक एट सेल ऑल ऑफ देम। किसी को कोई डाउट? सर बी वाला कैसे सही है, बी ऑप्शन इसमें? 2 और मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन, 2 न्यूक्लियेट एम्ब्रियो सैक रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ 4, दो बार होता है तभी तो 4 बनता है हमारे पास, 4 न्यूक्लियस वाला। सर अगर पहले से दो, सर अगर पहले से दो दो है तो फिर ठीक है। बालक पैसे दो कर दोगे, डी जनरेट हो जाता है, एक ही बचता है। क्या हो गया तुम्हें, छो गया क्या? कोई नहीं सर, 4 बनता है, 4 से 3 डी जनरेट हो गया, एक बचा, तो पहला ये माइटोसिस करेगा तो 2 बन जाएगा, फिर ये माइटोसिस करेगा तो 4 बन जाएगा। हाँ सर, 19 में जो थर्ड ऑप्शन है उसमें 7 सेल 8 न्यूक्लियेट बनता है ना? माइटोटिक डिवीजन इन एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन अप टू 8 सेल इज स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर, 8 सेल इज स्ट्रिक्टली, सर गलत है, ऑल ऑफ द अबव। 7 सेल 8 न्यूक्लियेट एम्ब्रियो सैक बनता है। हाँ हाँ वो बनता है, लेकिन यहाँ पे उसको गायब कर दिया ना, ये भी स्टेटमेंट सही है, ऐसा गलत नहीं है, स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर यहाँ पे दे दिया, दैट्स व्हाई ये सही है स्टेटमेंट। लेकिन 8 सेल लिखा है ना, 8 लिखा। हाँ नहीं लिखा है, वो चीज है ही नहीं, तो यहाँ पे अच्छा। ये इसके अलावा कौन कौन मारा है 19 के अलावा? ऑप्शन दी ऑल ऑफ द अबव होगा इसमें, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे, वो लाइन ए लगाया था। अच्छा बाकी लोग? प्राची सर सर डी लगाया था सर। ठीक है, डी वाले वेरी गुड। हाँ सर। हाँ सॉरी सुजल सर, डी तो, हाँ हाँ बोलो बोलो सर। बी में तो ये लिखा है ना, 2 और मोर सिक्वेशनल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन इन 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक के बाद रिजल्ट करता है 4 न्यूक्लिएटेड में। हाँ, तो हाँ, वो तो हाँ तो सर वही तो मैं कह रहा था आपसे कि अगर 2 में होगा तो 8 ही बन जाएगा। हाँ, दो के बाद, ये दो के बाद की बात कर रहे हैं ना इसमें, तो इन 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, 2 more sequential mitotic nuclear division in 2 nucleated embryo sac. 2 nucleus है embryo में। सुन लो। सर 2 के बाद अगर 2 होंगे तो 8 बन जाएगा ना, उसमें 4 लिखा है। यस सर। बोलने दो।
ठीक है, वो मैं समझ रहा हूँ, मैं ये वाला मैं स्टेटमेंट बता रहा हूँ, टू और मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन इन टू न्यूक्लियेट इम्ब्रियो, कितना हमारे पास है, टू न्यूक्लियेट इम्ब्रियो, ठीक है, दो न्यूक्लियस, अल्टीमेटली हमारे पास इम्ब्रियो के अंदर कितना न्यूक्लियस है, दो, और ये किसकी बात कर रहा है, इम्ब्रियो की ना, दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है हमारे पास पहले से ही, एट न्यूक्लियेटेड कंडीशन आएगी ना सर, गलत हो जाएगा, सब सही होता ना जब उसमें लिखा होता है एट न्यूक्लियेटेड कंडीशन, एट या फिर अगर हमारे पास यहाँ पे ये वाला टर्म दो नहीं लिखा रहा था तो भी सही हो जाता, सर ये क्वेश्चन ही हमारे पास इनवैलिड हो गया, तो जिस जो भी अटेम्प्ट किया सर ये इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि उसमें एट सेल लिखा है, सी वाले ऑप्शन में एट न्यूक्लियेटेड नहीं लिखा, क्योंकि सेवन सेल्ड होता है, तो सी ऑप्शन भी गलत, बी ऑप्शन भी गलत, ए ऑप्शन होना चाहिए सर, रुक जाओ कोई बात नहीं, सर यही होना चाहिए, सर जिसका भी होगा या तो मैं इसको देख लूंगा एक बार कंफर्म करके, सबको प्लस फोर दूंगा जितने भी लोग अटेम्प्ट किए चाहे कुछ भी हो, कोई बात नहीं, कोल्ड वार नहीं है, सही सही चीज है वैसे, क्योंकि मैंने यहाँ पे अलग अलग टर्मोलॉजी लिखने समय गलत हुआ, फर्स्ट ऑप्शन सही है ना सर, हाँ बस सही है, बट कोई नहीं देख लूंगा मैं, 19 को रख लो फॉर द फर्दर, एक बार मैच कर लूंगा मैं एनसीईआरटी के वर्ड से, ठीक है आगे बढ़ो सर, लिया हुआ है कहीं और से नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ये बताओ ध्यान से, अगर जो जल्दीबाजी किया होगा उसका गलत हुआ होगा, डी ऑप्शन, ओनली जर्म फोर, सर इन टाइम में भी तो अब्सेंट इन टाइम, डी होगा ना, सर डी होगा ना, स्पोरोपोलिनिन इज अब्सेंट इन, कहां पे होता है हमारे पास, जर्म फोर में भी और इन टाइम में भी तो होता है, इन टाइम में और एग्जाइन में अब्सेंट होता है, नहीं सर बोथ एन बी, अच्छा एग्जाइन के किस रीजन पे वो होता है अब्सेंट, रुक जाओ अभी अभी मत बोलो, एग्जाइन के सिर्फ किस वाले रीजन पे होता है हमारे पास, जर्मपुर वाले रीजन पे होता है, तो यहाँ पे किसने किसने जल्दीबाजी में कोई जर्मपुर लगा दिया है फट से, किसने किसने लगाया, सर डी ऑप्शन है, डी है, सर डी लगाया, जिसने भी डी लगाया बहुत अच्छा, डी है सर, क्या होता है ना कि दिमाग में हमारे पास फील्ड होता है डायरेक्ट जर्मपुर, क्योंकि वो रटा रटा रहता है, तो जो भी थोड़ा आराम से क्वेश्चन किया होगा, अगर मैं देख लूंगा, होप सो आप लोग गलती नहीं की होगी, क्वेश्चन नंबर 21, अभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, चलो पोलन ग्रेन्स आर स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन, ये इनसाइड टिपिकल लाइन है, कोई भी दिमाग ज्यादा लगा के ऑल ऑफ द दिस नहीं करना था, कोई किया है इसीलिए मैंने बोला, क्वेश्चन नंबर 22 कौन किया है बता दो ईमानदारी से, नन ऑफ दिस सर, डी ऑप्शन, नन ऑफ दिस, हाँ सही है, क्योंकि यहाँ पे लिग्निन है इसलिए गलत है, डिस्कंटिन्यूअस टिंटाइन का कोई मतलब नहीं, जब ए और बी नहीं हुआ तो ये भी होगा, चलो क्वेश्चन नंबर 23 ग्राउंडनट ये रटने वाला है, यस सर ग्राउंडनट, क्वेश्चन नंबर 24 सर डी, ये लोहरसी तुम्हारा क्वेश्चन सर डी, यस सर डी, फर्टिलाइजेशन, ऑल ऑफ दीज अपना अलग ही मजा है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 25 आ गया अलग दी, सर डी ऑप्शन, सर बी ऑप्शन, सर बी है इसका, बी होगा सर, बी होगा सर, बी, हां सर बी फॉर बॉल, क्या बोल रहा हूं मैं, सॉरी बी तो है सर, जिसने भी डी लगाया गलत गलत है, कौन है, गलत है सर, डी होगा, बी ऑप्शन सर, बी तो प्रिवेंट करता है, बी फॉर बॉल, कौन कौन लगाया है पहले, कौन आ गया इतनी देर, सर मैं लगाया हूं डी, ए बी वाले कौन कौन से, हैंड रेज करो सर, मैंने भी लगाया, अरे एक्सेप्ट क्यों नहीं हो रहा सर, क्योंकि नॉट लिखा है ना उसमें, रजनी देखो सेल्फ सर डी होगा, इज नॉट, हमारे पास ये जेनेटिक मैकेनिज्म है या नहीं है, है yes, नहीं है, और नहीं है प्रिवेंट करता है सर, भाई सर सर जेनेटिक है, और क्रॉस बी ऑप्शन सर,
तो हमारे पास जो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नॉट वाली तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, पोजिशनल सेपरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा, ठीक है, ये वाला है एनसीईआरटी की लाइन से, वो हमारे पास क्रॉस फर्टिलाइजेशन के लिए, सॉरी सेल्फ फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है, ना कि सेल्फ इनकम्प्लीटेबिलिटी के लिए। तो ये भी सही है और ये भी सही है, ऑप्शन बी जिसने भी लगाया सही है, ज्यादा दिमाग लगा के डी जिसने भी लगाया गलत है, ठीक है, दोनों एक अलग अलग। हाँ प्राची, ये सेप क्यों नहीं हो रहा समोन? यस सर, ठीक है, आपने हैंड रेज किया था ना इसलिए। सर वो आपने ऑप्शन के लिए पूछा था कि किसका करेक्ट है, विवेक का गलत हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 25 का डी, किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 26, ये भी जल्दीबाजी में जो किया होगा गलत होगा, डी की बी, ये बहुत कंफ्यूजन होता है। डी फॉर डॉग ना, हाँ वेरी गुड, ए वाला सही है। नहीं सर, डी मतलब इन्फ्लुएंस है कि नहीं। बी कौन किया था? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीपेप्टाइड्स क्वेश्चन पूछा हुआ, क्या ही बोलूं मैं, होलो स्ट्रक्चर, इसीलिए दोनों क्वेश्चन मैंने साथ साथ डाला, देखते हैं किसको कंफ्यूजन होता है। कोलियोराइजाइज अनडिफरेंशिएटेड, का तो बता दिया ना, अरे ये तो कई बार बता दिया, क्लास में दो दो बार बताया है। अरे सर ऑप्शन ही देखना था बस। अच्छा होलो स्ट्रक्चर और ये अनडिफरेंशिएटेड शिप, इसीलिए मैंने दोनों को साथ में रखा था। रिपीट क्वेश्चन हो गया, बस फॉर्म अलग हो गया। ग्राउंड नट इज बी, डी सर, बी नॉन एल्ब्यूमिनस, बी फॉर बॉर, ये सेमी क्वेश्चन हो गया। जस्ट ये भी पेरिस्पर्म इज लिखा है, न्यूसेलस नहीं लिखा है। अच्छा हाँ सही बोल रहे सर। और अंतर क्या है, अंतर बताओ पहले, इसे कोई अंतर बताओ भाई, न्यूसेलस और न्यूक्लियस में, विवेक को सर भूल गया सर। अभी भाई न्यूक्लियस है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और ये न्यूसेलस हो गया। जो भी जल्दीबाजी में किया होगा गलत। गीतांशी आपने क्या किया था? और मानवी सर डी लगा, मैंने ना मुझे लगा कि वो एरर होगा तो इसीलिए मैंने न्यूसेलस। सर ऑप्शन क्या था इसका आंसर? बी भाई, बी बी बी, एक ये स्टेटमेंट, ये ट्रिकी था, कभी भी क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं करना है कि नहीं मैंने सोच लिया, ऐसे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ये एक अच्छा क्वेश्चन है सर, सी सर, सी लगाया था मैंने तो, सी लगाया, मैंने भी सी लगाया। देखो 31 क्या है, एन एंजियोस्पर्मिक फ्लावर रिप्रेजेंट द मॉडिफाइड कंडेंस्ड सूट, ये सही है, द फर्टाइल लीफ सूट बिकम मॉडिफाइड इनटू द माइक्रो एबिस, ये हमारे पास स्टेटमेंट गलत है। एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, क्यों गलत है कोई बताना चाहेगा सर? क्योंकि माइक्रोस्पोरोफिल तो वो बनाती है ना स्टेमेन, इसमें माइक्रोस्पोरोफिल ओव्यूल बनाती है ऐसा दे रखा है, और मेगास्पोरोफिल एंथर बना रखा है। ठीक है वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 32, ए बालक तुम लोग ये क्या आरसीबी कर रहे हो, चलो बात करो, ये होगा सर, ए वो नहीं है, ए बोथ एसर्शन बट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन, वेरी गुड, ऑल ए ऑप्शन है, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग ए पॉलिनेटिंग एजेंट, ये भी सही है, रीजन ये भी सही है, सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है और उसका रीजन भी सही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, डायंथस कौन डायंथस क्रिमिनल होता है, ये 11th का एग्जांपल है, लाइन वे लेजमेंट का, बस ये वर्ड नया मैंने जोड़ा और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको जो जो बताएगा जिनका सही है सर, सर डी, चलो वेरी गुड डी,
अब इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा ये बता दो। हाँ वेरी गुड, मोनोकार्पलरी और सुपीरियर सोलेनेसी, ठीक है। हाँ ये चीज, ये थोड़ा सा दोनों का मिक्सर था क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 35, इसका क्या होगा? डी, नन ऑफ द अबव, एलुरॉन लेयर होता है इसके आंसर, ठीक है। जो लोग यहाँ से प्रेजेंट में ये पूरे भेज दे रहा हूँ, ग्रुप में भेज दे रहा हूँ, भेजो मत बता दो सर। देखो क्वेश्चन नंबर जो 19 है, मैं इसको एक बार अगेन से मैच कर लूंगा और जैसा भी होगा, फिलहाल के लिए आप सभी को प्लस फोर दूंगा जो लोग अटेम्प्ट किए होंगे, जो लोग छोड़ेंगे उनको नहीं मिलेगा। और ध्यान रखो, जो लोग अभी अपने से चेक कर सकते हैं वो चेक करके प्लीज भेज दो, पर्सनल पे भेजना, ग्रुप में बार बार भेजना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। चार मिनट है बस, जब भी होगा, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम नहीं लग रहा है। बाकी जो लोग नहीं भेजेंगे वो तो फिर मैं करूँ, ठीक है। हाँ क्या बोल रहे थे बालक, देख लो विवेक, आगे करो सर, आगे करो, मैं पीडीएफ भेज दे रहा हूँ सर। फर्स्ट का क्या था? फर्स्ट का बी, बी है ना, ठीक है, ये लग रहा है। सेकंड का सी, सी। थर्ड का बी, बी। फोर्थ का, फोर्थ का डी, ठीक है। फिफ्थ का बी, ठीक है। सिक्स का सी, आगे बढ़ो सर आगे। सेवेंथ का सी, ठीक है। एट का ए, सही है। नाइन्थ का बी, टेंथ का सी, इलेवेंथ का डी, हो गया। Yes, का, चल इसका पीडीएफ ग्रुप पे, हाँ मैं भेज दे रहा हूँ। चलो ठीक है, थैंक यू सभी को ज्वाइन करने के लिए। चलो ना ऐसे, चलो चलो, गुड नाइट। कल टाइम पे आ जाना, 9:15 बजे, 9:15 से आप लोग का क्लास है, ठीक है। 9:15 करवा देना, क्या आज पूरा कराना है क्या? हाँ पूरा रीचेक कर लूंगा। 15 का ए, अरे तुम तो प्रेजेंट थे बालक। अरे सर बंद करो, बाय सर, गुड नाइट। चलो गुड नाइट, गुड नाइट। भेज दो सर, अभी भेज दो आपको। हाँ मैं पीडीएफ भेज दे रहा हूँ ना ग्रुप पे, मैं आपको भेज दूँ अपना फोटो खींच के। भेज दो भाई, भेज दे, भेज दो। चलो ठीक है, ओके, गुड नाइट सभी को, शुभ रात्रि, कल मिलते हैं। बोले यार, माइक नहीं है क्या? गरीब सच में माइक नहीं है क्या? तो डाल के बैठा है क्या? पीसी में लगा दे। जा सो जा, मर जा बक।